देखो अभी हमने पीछे बात की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि खाना ऑप्टेन करने के तरीकों की। अब अलग 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 ऑर्गेनिज्म ना फूड ना अलग अलग तरीके से ऑप्टेन करते हैं। जन ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो फूड को दो तरीके से ऑप्टेन किया जाता है, एक अपने आप यानी कि ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अभी ये वर्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थोड़ा शायद दिक्कत कर रहा होगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अभी फिलहाल बस इतना ही याद रखना कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। जब बोला जा रहा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टर्म्स में, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो वो सिंथेसाइज कर रहा है फूड को, यानी कि बिल्कुल बेसिक से बना रहा है, फूड था नहीं लेकिन फूड बनाया उसने, तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, सम बैक्टीरियाज, ज़्यादा नहीं बहुत कम आते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट आता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो आएंगे जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से अपना फूड ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो प्लांट से भी हो सकता है या किसी एनिमल से भी हो सकता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं ऑटोट्रॉपिक, इसमें प्लांट सम बैक्टीरियाज ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा क्या आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फूड कहाँ से ऑप्टेन करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, एंड जितने भी फंगस होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, बाकी सारे के सारे, ठीक है। अब जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी तीन तरह का है, एक सेप्रोफिटिक, एक पैरासिटिक एंड एक होलोजोइक। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड जो है माउथ के थ्रू इंजेस्ट होता है। पहले फूड माउथ में जाएगा, माउथ से क्या होगा फिर फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जितने जनरली एनिमल्स आए थे सारे के सारे। अब आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो आते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे होस्ट एंड प्रे रिलेशन होता है, होस्ट एंड प्रे रिलेशन। तो एक प्रे क्या करेगा, अपने होस्ट पे डिपेंड रहेगा फूड के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइज एंड टिक्स, जो लीकें और जुएं होती हैं ना, वो क्या शो करती हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं अमरबेल,